हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल तड़का विद परिधि एंड भरत। सबसे पहले मैं आप सबको हम सब की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी बधाई दे रही हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब फेस्टिवल का टाइम है और फुल ऑफ सेलिब्रेशन और गेट टुगेदर्स होंगी, तो मम्मी आज आप हमें क्या बनाना सिखाओगे ऐसा जो कि हम गेट टुगेदर में सर्व कर सके? आज मैं बनाऊंगी बेक्ड वेजेस इन व्हाइट सॉस। वाह मम्मी, नाम से तो ये इंटरनेशनल डिश लग रही है। हाँ बेटे, ये एक इटालियन डिश है। अच्छा, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? इसको बनाने में हाफ एन आवर लगेगा। अच्छा, तो चलो चल के बनाते हैं। चलो बनाओ। एक छोटी कॉलीफ्लावर, 5-6 बीन्स, एक गाजर, एक रेड बेल पेपर, एक येलो बेल पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, मैदा, बटर, मोजरेला चीज, मिल्क एंड ऑलिव ऑयल। तो मम्मी, इस डिश को हम कैसे बनाएंगे? इस डिश को बेटे हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले व्हाइट सॉस बनाएंगे, फिर वेजेस को सोटे करेंगे, फिर वेजेस को सॉस में डाल के बेक करेंगे। अच्छा, 3 स्टेप में ही रेडी। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून बटर डालते हैं। बटर हल्का सा मेल्ट हो जाए, फिर इसमें हम 2 स्पून मैदा डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब ये हमारा मैदा भून गया, हम इसमें डालेंगे दूध। अब हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ही डालनी है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 स्पून इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, 1 स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 स्पून फ्रेंड्स, अब हमारी सॉस थोड़ी थिक होनी शुरू हो गई है। हाफ टीस्पून सॉल्ट, 1 में डालेंगे थोड़ा सा चीज। अब हमने गैस बंद कर दी है, ये सॉस हमारी तैयार है। अब हम इसमें बटर डालेंगे और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ताकि बटर जले नहीं। अब हम इसमें वेजीज डालेंगे, कॉलीफ्लावर, बीन्स, कैरेट और साथ साथ कड़छी चलाते रहेंगे। येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, तो मम्मी इसमें हम और भी वेजेस डाल सकते हैं जैसे कि मटर, कॉर्न या ब्रोकली? हाँ बेटा, बिल्कुल डाल सकते हैं। मेरे पास अभी यही वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, मैंने यही डाली है। अपनी पसंद से आप कुछ भी डाल सकते हो। तो कोई भी वेजेस डालनी हो तो उसमें हमें सॉटे करनी है? हाँ बिल्कुल, सॉटे करनी। ठीक, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। हमारी वेजेस अब प्रोसेस हो गई हैं, अब हम गैस बंद करते हैं। तो अब हमने 5 मिनट वेजिटेबल्स को सॉटे करा है।
हमारी व्हाइट सॉस बन गई है, हमारी वेजिटेबल्स सॉटे हो गई है और हम चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर जो कि है बेकिंग। तो हम ये इसको बेक करने के लिए एक माइक्रोवेव ओवन लेंगे और इसमें हम डालते हैं हमारी वेजिस और इसके ऊपर हम डालेंगे व्हाइट सॉस जो हमने पहले प्रिपेयर करके रखी थी। वाह मम्मी ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है, स्वाद भी अलग ही होगा। बिल्कुल सही। अब हम इसमें चीज डाल देंगे। हमने इसमें तो सबसे पहले वेजिस डाली है, फिर व्हाइट सॉस डाल दी और फिर मोजरेला चीज की एक लेयर लगा दी। अब इसमें थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। थोड़ा सा बेल पेपर से इसको गार्निश कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे। तो मम्मी ये वेजीज हम किसके साथ खाएंगे? ये वेजीज हम बेटर ब्रेड के साथ खाएंगे। मैंने ये ओरिगैनो केशिया ब्रेड मंगवाई है और आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हो, गार्लिक ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हो। अब हमारा टाइम ओवर हो चुका है और हम वेजीज को बाहर निकालते हैं। क्या खुशबू है। और वीडियोस बनाएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई रेसिपी के साथ।